पूरा पार्किंग भरा हुआ। एक फर्श भी ले ले, मैं आया। फिलहाल थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे यहाँ पे, अभी आगे चलते। अभी वैसे जून का महीना चल रहा है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि एक बार भी बारिश होके नहीं गई अभी। पूरी धूप है, मतलब जो पहली बारिश होती है मई वगैरह होती है वो भी नहीं हुई अभी। पेड़ को निकले थे बारिश का, गर्मी हो गया था, चलो निकले भूलते हैं कहीं देखेंगे, बारिश ही नहीं बीच बीच आगे नहीं बारिश। अब लेकिन बारिश से उतरेंगे और थोड़ा भीगेंगे दूध नहीं। जब भी बारिश आएगी ना तब स्पेशल, अब भले ही अचानक से आ जाए हम उस दिन ट्रिप प्लान करें, नाइट को करेंगे, लेकिन जब पहली बारिश आएगी तब जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। एक्चुअली इस बार कोल्हापुर जाने का रीजन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमारे करीबी पर्सन थे, उनका फंक्शन है स्पेशल, तो इसकी वजह से उन्होंने स्पेशली हमें इन्वाइट किया, तो जाना तो मतलब कंपलसरी था हमारे। हाँ तो इसकी वजह से जाना है, और अभी हमारा खेत के जो आम है वो भी तैयार है, रेडी हो चुके हैं, तो वो भी कुरियर से वो भेजने से अच्छा कि हम खुद ही जाके वो लेके आए, वो भी अच्छा होगा। मतलब एक मतलब दोनों काम हो जाएंगे एक ही ट्रिप में, और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। एक्चुअली उन्होंने इतना इंसिस्ट किया हमको कि हमने सभी अभी सब कामों से वगैरह ब्रेक लेके हम यहाँ पे आ गए हैं, और डैड ने भी अपने अपने ऑफिस को मतलब लीव्स डाल के हम यहाँ पे आ गए। स्पेशल है तो आना ही पड़ेगा। हाँ नजारा है देखो, ये नजारा देख के हम गाइस रुके यहाँ पे 5 मिनट। कल कुछ रील्स देख रहा था मैं, और ऐसे स्क्रॉल करते करते एक रील आई कि एक बंदे की ऐसे ऑडी होती है, मतलब जो ऐसे बड़ी गाड़ियां होती है ना वो ऑडी की, उसमें कुछ तो थी, और फिर वो शेयर मार्केट में घुस जाता, और उसने एक ऐसा ट्रांजिशन किया था कि पहला ट्रेड ऑडी गई, दूसरी आई रेगुलर कार, दूसरा ट्रेड कार ही गई, टू व्हीलर आई, तो ऐसा तो मतलब बाद में तो वो ऐसे फटे हुए कपड़े वगैरह पहन के साइकिल पे ही जा रहा होता है चौथी ट्रेड पे। तो ऐसा भी मतलब हुआ है कई लोगों के साथ, और कई लोगों के साथ उल्टा भी हुआ है, मतलब डिपेंड करता है कि पहले पैसा लगा और फिर बाद में स्टडी किया तो उसमें कुछ मतलब नहीं है, कि पहले हमको स्टडी करना चाहिए अच्छे से, मार्केट को समझ लेना चाहिए, फिर पैसा लगाना चाहिए। अभी हम भी मेरे ख्याल से 4 साल से मार्केट, हमको तो जितना लॉस वगैरह हमने कभी बेयर किया नहीं, क्योंकि पहले अगर स्टडी करके घुसे ना तो फिर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। हमें तो इसका अच्छा ही अनुभव है, तो वो कुछ इसकी भी ट्रिक्स होती है, तो वो ट्रिक्स समझ के कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके टेक्निकल करके तो वो सब किया जाता है। तो ऐसे ही टिप्स के आधार पर अगर किया तो फिर खत्म। टिप्स भी क्या होता है, जिस बंदे ने टिप्स दी वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ब्रोकर्स वगैरह आपने जो ऑफिशियल ब्रोकर हो उसने टिप दी तो वो करना चाहिए, लेकिन बाहर के जो ऐसे टिप्स आते हैं, अभी बीच में कुछ वो स्कैम भी चल रहा था कि SMS पे शेयर्स के टिप्स आते थे और लोग ऐसे पैसा लगाते भी थे और गंवाते भी थे, तो वो ऐसे कुछ स्कैम यहाँ पे गाइस देखो, बनाना की पूरी एक खेती है, देख ये अभी कच्चे है अभी पूरे, मतलब पूरे ही जस्ट ये फूल है अभी, वो आगे के पूरे तैयार हो चुके, बड़े बड़े रहते हैं ना। हाँ पहले इसी के पत्तों पे खाया करते थे ना, खाने के नीचे ऐसे रखने के लिए। हाँ, अभी भी डोसा वगैरह इसी पे देते। ये और चूल्हा दोनों टेस्ट बढ़ा देते खाने के। यहाँ के रोड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, थोड़े से गड्ढे वगैरह है रोड्स पे, मतलब कोल्हापुर के सांगली जब हम जाते थे, लेकिन आजू बाजू में देखने के लिए बहुत अच्छा है, भरा हुआ है कुछ ऐसा। अभी तक तो कुछ ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह ऐसे बड़े बड़े कुछ नहीं है, मतलब जो शहरों में होता है, ऐसे प्योर नेचुरल गांव वगैरह है और खेती है बस। यह है डिग्रेसकर दही धपाटे पॉइंट,
यहाँ पे रुके हम। क्या बढ़िया बैकग्राउंड है देखो, ये रहा इधर हाईवे पीछे, और ये इधर एक जैसे छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप। अच्छा है लेकिन टेस्ट करेंगे नहीं। कुछ ऐसी प्लेट मिलती है, कुछ इस टाइप की हमारी प्लेट है देखो, दो धपाटे, एक कर्ड आता है, ये मिर्च का थोड़ा चटनी टाइप आता है, ये अपने नट्स की ग्राउंड नट्स की चटनी, और ये गुड़ की एक ऐसे छोटे से। साइज तो बहुत बड़ा लग रहा है मैम। ये यहाँ का स्पेशल मसाला ताक है, इनमें कुछ तो इंग्रेडिएंट्स डालते ताकि इसको एक अच्छा सा टेस्ट आ सके। अच्छा है क्या? बहुत अच्छा। क्या बढ़िया टेस्ट था लेकिन, बहुत अच्छा। फाइनली हमारा लेने का डिसाइड हुआ, वहाँ पे मिल रहा है तैयार आटा तो ले ही लेते। छाछ भी उसे एक नंबर था टेस्ट में। धपाटे खाने के बाद वो छाछ पीना मतलब एक चेरी ऑन द केक ऐसा टाइप हो जाता था वो सीन। और देखो मक्खन भी कूल होती है, जीरा भी और छाछ, तो ये मिक्स करके पीना मतलब हमारे पूर्वज इतने स्मार्ट थे, बॉडी को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उनको पूरा मालूम, टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रखने है ना। वो गर्मी में वो इसी के लिए इन्वेंट किया गया है ताकि बॉडी का टेम्परेचर अपना अच्छे से मेंटेन रह सके। और पाचक भी है उसका। इन्होंने क्या किया, ऐसा किया है ना, इतना टेस्टी है तो हमने भी खाया, हमने भी ऐसा ही किया, ऐसा ही किया और पार्सल भी ले लिया आटे का ना, वो घर जाके वो मनाए। गाइस आप भी कभी इधर आ गए ना तो जरूर टेस्ट करना और लेके भी जाएंगे वो 100%।